हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर एट उसकी एक्सरसाइज 8.4 इस वीडियो में करवाऊंगी। इससे पहले कि एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन जो हमने चैनल में अपलोड कर दिया है, जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, यानी कि हमने इन सबको जो है रुपीज में चेंज करना है और डेसिमल यूज करते हुए, इनकी डेसिमल भी आना चाहिए और रुपीस में भी वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है रुपीस में चेंज करना, फिर मीटर में, फिर हमारा इसको डेसिमल में करना है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में और किलोग्राम में। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट हमें जो पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में और डेसीमल में, तो हमें पहला दे रखा है 5 पैसे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 पैसे हैं उसमें कितने रुपीज होते हैं। 1 पैसे जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपी के इक्वल होता है। तो 5 पैसे किसके इक्वल होंगे, 5 पैसे जो है वो 5/100 के इक्वल होंगे। अब हमने इसको क्या करना है, नीचे हमें 2 डिजिट दे रखी है तो ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास तो 1 डिजिट है तो हम इसको 2 डिजिट बना लेंगे 0 लगा के, और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 0.05 रुपी। हमने इसको रुपी में भी चेंज कर दिया और डेसिमल भी लगाया। ठीक है, सेकंड देखो 75 पैसा, सेम उसी तरीके से करेंगे हम। इसके अंदर 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, ये आपको हर बार लिखना है। ठीक है, 75 पैसा इज इक्वल टू 75/100, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.75 रुपी हो गया। 20 पैसा, सेम वैसे ही करो इसको भी, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, और 20 पैसा इज इक्वल टू 20/100, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 0.20 रुपी। अब देखो जब पॉइंट के बाद इधर की साइड हमें 0 दे रखी होती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं दे रखी। ये भी याद रखना है कि इसके बाद कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.205, तो जैसे 0.20 दे रखा है ना, तो टू पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, हम इसको 0.2 रुपी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 के बाद 2 है, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 है, या कोई भी नंबर है उसके बीच में अगर हमें 0 दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि उसके बाद एक नंबर हमें और भी दे रखा है, वो हम नहीं हटा सकते। पॉइंट के बाद 0 का मतलब कि उसके बाद कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 50 रुपी और 90 पैसे। ये तो हमारा पहले से ही रुपी में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको चेंज करेंगे हम, वैसे ही लिखेंगे 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, और 90 पैसा इज इक्वल टू 90/100, 2 डिजिट, 2 जीरो तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं, 0.9 रुपी भी लिख सकते हो आप इसको। अब 50 रुपीज और इसको दोनों को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैं 50 पॉइंट यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे ये तो 50 रुपीज है, तो ये 50 इस टाइप से। ठीक है, तो 0.9 को हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 पॉइंट में 9। ठीक है, ये 0 की कोई अगर हम लिखते भी हैं तो पॉइंट के बाद 0 हम हटा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 50.9 रुपी। ठीक है, उसके बाद देखो 725 पैसा, सेम वैसे ही 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी, 725 पैसे इज इक्वल टू 725/100, तो 2 डिजिट, 2 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 52.7 रुपी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको मीटर में जो है चेंज करना है और डेसिमल यूज करना है, तो हमें सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो 1 पहले हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर।
तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 अपॉन में 100, नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.15 मीटर। 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, और 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 अपॉन में 100, नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, दो डिजिट हम बना लेंगे जीरो लगा के। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो पहले से ही मीटर में हमने सिर्फ इसको चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 मीटर, और 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 अपॉन में 100, नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये मीटर में हो गया, और 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर इज इक्वल टू 2.45 मीटर। ठीक है, ये हमारा पहले से ही मीटर में दे रखा है। 7 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 अपॉन 100 मीटर, 7 सेंटीमीटर 7 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 70.0 मीटर। अब 0.07 में हम 9 मीटर को प्लस करेंगे, 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर, तो 0 की जगह पे क्या प्लस हो जाएगा, 9। अगर मैं 0.07 में प्लस करूंगी तो 9 मेरा इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 9.07, तो 9.07 मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जीरो के बाद कोई नंबर दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है 419 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 मीटर, और 419 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 419 अपॉन में 100, नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, हमें इसको अब सेंटीमीटर में चेंज करना, डेसिमल भी साथ में यूज करना है, तो हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीमीटर के अंदर 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर में कितने होंगे, 5/10, नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। 60 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 60 मिलीमीटर 60/10, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर। 164 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 164 मिलीमीटर 164/10, नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ये तो हमारा पहले से ही सेंटीमीटर में, इसको चेंज करेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8/10, तो हमारा एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे हमारी 10 है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब 0.8 में अगर हम 9 प्लस करते हैं तो हमारा 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। 93 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, एंड 93 मिलीमीटर इज इक्वल टू 933/10, 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 9.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इसको किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये सब आपको याद रखना है। तो 8 मीटर इज इक्वल टू 8/1000, अब नीचे 3 है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 8 1 डिजिट हो गई, 0 3 डिजिट हमने बना ली, अब हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। 88, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और 88 मीटर इज इक्वल टू 88/1000 किलोमीटर, नीचे 30 है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 888
मीटर इज इक्वल टू 888 अपॉन में 1000, नीचे तीन जीरो है तो ऊपर तीन डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। 70 किलोमीटर पहले से ही दे रखा है, 5 मीटर को चेंज करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1000, तो क्या बन जाएगा ये 500.0। तीन डिजिट बना लिए हमने किलोमीटर। तो अब ये 70 पहले से किलोमीटर में है तो 0.005 में अगर हम 70 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 70.005, तो हमारा आ जाएगा 70.005 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस एस के जी यूजिंग डेसिमल। अब हमने इसको किलोग्राम में चेंज करना है ग्राम को, तो 1 ग्राम जो है वो 1/1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो 2 ग्राम किसके इक्वल होगा, 2/1000, नीचे तीन जीरो है तो ऊपर तीन डिजिट बना लेंगे, पॉइंट लगा देंगे और ये चेंज हो गया। 100 ग्राम, 100 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 100 ग्राम इक्वल टू 100/1000, तीन जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, क्या बचेगा 10, यानी कि 1/10 बचा। अब नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये है हमारा, तो 3750 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 3750 ग्राम इज इक्वल टू 3750/1000, नीचे तीन जीरो है तो ऊपर तीन डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये तो मैं पहले से ही किलोग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000, 8 ग्राम 8/1000 चेंज कर देंगे, नीचे तीन जीरो है तो 800.0, ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो गया। अब इसमें हमने 5 प्लस करना है तो क्या बन जाएगा 5.008, जहां पे जीरो वहां पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 26 हमारा पहले से ही है, हमने इसको चेंज करना है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 50 ग्राम इज इक्वल टू 50/1000, 10 से 10 कट हो गई, अब नीचे दो जीरो बची हैं तो दो डिजिट बना लेनी है ऊपर, यह हो गया हमारा किलोग्राम। ठीक है, अब 26 इसमें प्लस करेंगे, 0.05 में अगर 26 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 26.05, यानी कि 26.05 किलोग्राम। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी यहाँ पर। 8.4 कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.5 और उसके नेक्स्ट में 8.6, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।